62 किसान संगठनों ने देश भर में चक्का जाम की चेतावनी दी है। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि यदि केंद्र सरकार किसानों की मांग नहीं मानती है तो 9 अगस्त को देश भर के सभी हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। दरअसल दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में किसानों को एकजुट करने के लिए 62 किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। साथ ही सरकार को घेरने पर भी बातचीत हुई। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा की अगुवाई में हुई इस बैठक में आंदोलन को तेज करने पर विचार किया गया, यानी कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, इसमें कोई हिंसा ना हो। ये तमाम जो किसान संगठन हैं उनकी तरफ से ये बातें बार बार कही जा रही हैं। लेकिन जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में कि बातचीत के लिए बुलाया गया और उसके बाद जिस तरह से किसानों पर गोलियां चलाई गईं, उससे कहीं ना कहीं तूल पकड़ा और उग्र हुआ आंदोलन। लेकिन अब तमाम जो संगठन हैं वो अब एकजुट होते जा रहे हैं इस मुद्दे पर। उनकी कुछ मांगे हैं, सबसे पहली जो मांग है वो कर्ज माफी को लेकर है, शायद इसलिए क्योंकि जो आंकड़ा है खुदकुशी का वो बढ़ता जा रहा है किसानों की, इस लिहाज से ये मांग जो है सबसे बड़ी है। उसके अलावा बिजली है, डीजल है कि डीजल महंगा नहीं होना चाहिए, किसानों को डीजल सस्ता मिलना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उत्पादन पर किस तरीके से और जो खर्चे आते हैं उसका भी निपटारा सरकार करे। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो काफी अहम हैं और ये मुद्दे कोई ऐसे नहीं है कि कल और आज के मुद्दे हैं, ये बहुत सालों से चले आ रहे हैं। लेकिन किसानों का ये मानना है कि उनकी मांगे मानी नहीं जाती हैं, उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है।